मैं को पर रख लिया तो समझो परली पार उतर गया, ना फिर को छानी जानी नहीं है, को छानी जानी नहीं है, क्योंकि टाइम रहते उनने भी ये बात नहीं माननी थी तो उनकी गेल अभी वही कहानी बनी थी। और कौन सी कहानी बनी थी, किस प्रकार से, क्या लिख दिया रागड़ी के माध्यम से, सुनने की बात क्या बताया बोला। मनुष्य और दुख सुख सहना चाहिए, और जे यह बात नहीं माने तो थारे में भी वहां कहानी बनेगी। हेरे समय बड़ा बलवान कौशिक जी हमारा मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, आज इनका कैमरा लगा हुआ है, यूट्यूब चैनल है एनके स्टूडियो के नाम से। ये सारा कार्यक्रम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर यूट्यूब पर लाइव देखने को मिलेगा। सजना बताया, इस पृथ्वी पे एक ही राजा ऐसा आया है सत्यवादी, जो देवलोक में भी सत्यवादी माना गया है दादा, जो देवलोक में भी सत्यवादी माना गया है, राजा हरिश्चंद्र। इतना सत्यवादी था, ऐसी सत्य की वाणी बोलिया करता, समय ने ऐसी पलटी मार दी, ऐसी ठोकर मार दी, सूरा का पानी भरना पड़ा, उस कौड़िया बन गई। बताया कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान लोगों ये समय होता है। क्या लिखा बोला, निर्भर था।
उसके मुंह के अंदर सिक्का डालते हैं। और उस टाइम में पहले के टाइम में चांदी के सिक्के होया करते। उस सिकंदर महान ने पूरे देश भर की कब्र खुदवा दी, जितने सिक्के थे सारे सिक्के लकड़वा लिए। पर मरती वरिया ने बोला, जब मैं मरूं मेरे जनाजे से बाहर दोनों हाथ निकाल देना, ताकि इस दुनिया को ये पता चल जाए कि सिकंदर मर तो गया पर लेकर कुछ ना गया। उसने भी महान जो ज्ञानी था, अभिमानी था, स्वाभिमानी था, रावण का जिक्र करया है, बताया कि जिसके पे माता बुहारी दे, जिन काल कुएं में लटका रखा, जिसका इंद्रदेव छिड़का करे, क्या की काची थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर समय ने ऐसी ठोकर मार दी, ऐसी पलटी मार दी दादा, बांद्रा दोरा खाल तरवा दी। लिखा बोला पांडव धरती, हाँ पांडव
लाडी से